हाय फ्रेंड्स, टेक्निकल गुरु अतुल में आप सबका स्वागत है। चलिए, फ्लिपकार्ट से हमने एक और ऑर्डर कर लिया, रियलमी सी टू। तो चलिए, आज ये ब्लैक वर्जन है, हम इसको जो अनबॉक्स करेंगे और सबसे अच्छा इसका जो व्यू दिखाएंगे, बैक साइड का सनलाइट के अंदर फुल व्यू दिखाएंगे HD एकदम, ताकि इसकी बैक साइड में जो डायमंड कट वाला आपको जो बैक केस वगैरह मिलता है ना, वहाँ आप अच्छे से देख पाओ। तो मैं इसमें जो 100% A1 क्वालिटी का जो है इसमें अनबॉक्सिंग जो आपको दिखाने वाला हूँ, जो भी सनलाइट के अंदर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये हो गया हमारा रियलमी C2 येल्लो येल्लो फुल टू येल्लो। ये हो गया हमारा फाइनली रियलमी C2। तो चलिए अब इसको भी हम जो है फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग में एक बात तो ध्यान में रखो, नीचे की जो प्लास्टिक होती है ना, कुछ इस तरीके की, इसको पहले हटा दो, ताकि बॉक्स के ऊपर अगर आपको बॉक्स अच्छे से संभाल के रखना है तो आप बॉक्स अच्छे से संभाल कर रख पाओगे। क्योंकि पूरी प्लास्टिक जो है काफ़ी लोग हटा देते हैं, तो आप ऐसा मत करो। इससे क्या है, बॉक्स अच्छा रहेगा और लॉन्ग टर्म आप इस बॉक्स को संभाल सकते हो, या फिर दूसरे का अगर बाई चांस कभी बाइक भी सेल भी करना हो मोबाइल, तो आप जो है उसको सेल भी कर सको। तो बॉक्स जो है अनटच एकदम बढ़िया रहेगा। ये हमने 5999 वाला जो है परचेस किया है, 2 GB 16 GB वाला जो हमने परचेस किया है। यहाँ पर आपको कुछ बुकलेट वगैरह मिल जाती है, हालांकि आपको इसमें जो बैक कवर वगैरह नहीं मिलता है। बैक कवर तो आखिर 10 रुपये का है, रियलमी को देना चाहिए। मैं भी होलसेल में बाय करता हूँ बैक कवर वगैरह, 10 रुपये का आता है एकदम। ये हो गया फाइनली हमारा जो है रियलमी C2। यहाँ पर हमें जो चार्जर मिल जाती है कुछ इस तरह की, ये आती है 5 वोल्ट 1 एम्पियर की चार्जर है, नॉर्मली 1 एम्पियर है, तो शायद 2 घंटे के आसपास शायद टाइम ले लेगा फुल चार्ज होने में, क्योंकि 4000 mAh की बैटरी मिल रही है। साथ में माइक्रो USB पोर्ट भी जो है दिया हुआ है। चलिए अभी हम इसको जो है रख देते हैं साइड में। इसकी चार्जिंग टेस्ट भी मैं आपको कल परसों दिखाऊंगा। अब हम इस फ़ोन को जो है डायरेक्टली यहाँ पर ओपन नहीं करेंगे, हम इसको जो है बाहर ले जाएंगे एकदम बढ़िया लुक में फुल सनलाइट के अंदर, हाईएस्ट कैमरा से हम इसको जो शूट करेंगे और आपको इसका जो बाय डायमंड बैक वगैरह जो मिलता है ना, वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करें। यह काफ़ी अच्छा और HD लुक आप देख सकते हो, डायमंड कट वगैरह, मैट फिनिशिंग है, पॉलीकार्बोनेट जो है इसकी बॉडी है, तो इसमें आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा जो दिखाई देता है। कैमरा वगैरह है, 13+2 MP का कैमरा मिलता है, अपर्चर 2.2 जो उसके साथ में, तो आप देख सकते हो फिनिशिंग वगैरह क्या है, डिज़ाइन क्या है। तो आप देख सकते हो कोई किसी ने नहीं दिखाया है उस तरीके की जो हम क्वालिटी आपको अभी इस समय जो है दिखा रहे इस वीडियो के अंदर, ऐसी फिनिशिंग मतलब आपको लाइट के अंदर किसी ने नहीं दिखाई होगी। और ज़्यादातर कम लोगों ने ये जो ब्लैक अनबॉक्सिंग किया, तो हम इसको भी अनबॉक्स करके दिखा रहे हैं। नीचे आपको हेडफोन जैक के साथ में माइक्रो USB केबल, स्पीकर और माइक का जो होल दिखाई देगा। अभी हम बात करते हैं फ्रंट की। तो फ्रंट में आपको जो है 5 MP का कैमरा मिलता है, अपर्चर 2.0 के साथ में, तो आप देख सकते हो ये फिनिशिंग वगैरह। ऊपर में आपको जो है गोरिल्ला ग्लास 3 की जो है सपोर्ट मिलती है, और साथ में देख सकते हो नीचे थोड़ी सी एक बेजल्स आपको जो है देखने को मिल जाएगी, और फुल HD+ जो सॉरी HD+ इसमें डिस्प्ले मिलती है। राइट साइड में सिम इजेक्टर, वॉल्यूम प्लस और पावर बटन के साथ में मिल जाता है। दूर से आपको कुछ इस तरीके का जो लुक देगा सनलाइट के अंदर, तो आप देख सकते हो किस तरीके का जो टेक्चर पैटर्न जो आपको दिखाई दे रहा है चमक के अंदर इसी सनलाइट में। अभी हम इस फ़ोन को जो है थोड़ा छांव में ले आते हैं, तो छांव में देखिए थोड़ी सी हल्की सी लाइट आ रही है, तो कुछ इस तरीके का जो है पैटर्न आपको डायमंड कट में जो है दिखाई देगा। तो आप ये क्वालिटी भी जो है देख सकते हो, कैमरा वगैरह क्या है क्या नहीं, ये हम आपको फुल HD जो वीडियो दिखा रहे हैं, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगी कि इस तरीके का जो फिनिशिंग आपको आउटडोर के अंदर मिलेगा। ज़्यादातर लोग जो इंडोर में दिखा रहे हैं फ़ोन को, हम जो आउटडोर में दिखाते हैं ताकि उसमें ओरिजिनल कलर्स वगैरह जो आपको पता चल जाए। तो 100% जो है ओरिजिनल हमने हाई 4K रिजोल्यूशन में इस वीडियो को जो है कैप्चर किया है, लेकिन ये वीडियो जो 1080 पिक्सल तक का है, तो उतनी आपको रिजोल्यूशन इसमें देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस मोबाइल की, अब बात करते हैं डिस्प्ले की। 6.1 HD+ जो आपको डिस्प्ले मिलती है, साथ में गोरिल्ला ग्लास 3 की जो है प्रोटेक्शन मिलती है, तो आप इसमें देख सकते हो। तो इस तरीके का जो मेन फ्रंट व्यू होम पेज का मिलता है। कलर OS 6 पर आता है, एंड्रॉयड 9 Pie की ऑपरेटिंग सिस्टम है, हीलियो P22 ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो इसमें देखने को मिल जाता है। तो
कुछ इस तरीके का जो है स्लाइडिंग मेनू भी आपको मिलता है, काफ़ी अच्छा टच वगैरह स्मूथ जो है, और ये सब जो है कंपनी की ओर से, जो है ब्रांड की ओर से आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है। अब बात करते कलर ओ एस 6 के कुछ मेनूज़ वगैरह की, और अबाउट में मैं आपको जो है दिखा रहे इसकी फ़ोन की डिटेल्स वगैरह। तो ये 2 GB रैम के साथ 16 GB इनबिल्ट स्टोरेज वाला है, एंड्रॉयड 9 पाई के साथ है। ऊपर रियलमी C2 आपको मॉडल नंबर डिवाइस नेम भी जो है देखने को मिल जाएगा। सेम टू सेम रियलमी 3 प्रो वाली वही कलर ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप इसमें देख सकते हो सारे मेनूज़ वगैरह है, रिकॉर्डिंग वगैरह, GPS, हॉटस्पॉट, कैमरा, तो ये सारी जो है एप्लीकेशन ड्रॉप डाउन मेनू जो आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके का। इसमें पेटीएम और अमेजन जो है ऑलरेडी इंक्लूड मिलता है, जबकि मोबाइल सेल हो रहा है फ्लिपकार्ट के अंदर, तो फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन भी देने की ज़रूरत थी। कोई बात नहीं, आप इसे इंस्टॉल कर लेना गूगल प्ले स्टोर से, जो अमेजोन की एप्लीकेशन वगैरह जो आपको देखने को मिल जाती है इसके अंदर। काफ़ी अच्छा लुक और काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस वगैरह जो इसकी बनाई है। गेम भी जो है आप रेगुलर जो है नॉर्मल तरीके से जो इसमें गेम पबजी वगैरह जो है खेल सकते हो। हालांकि 6,000 के बजट में आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा मोबाइल जो है रियलमी ने आज मार्केट में लॉन्च किया है, तो इस तरीके का जो है मोबाइल आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में काफ़ी सारी एप्लीकेशन वगैरह, गेम सेंटर ये देख सकते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो इसमें देखने को मिल जाएगी। गेम सेंटर वगैरह जो आपको नेट ऑन करने के बाद ही देखने को मिल सकता है, तो इस कुछ एप्लीकेशंस वगैरह है। अब देख सकते हो टूल्स के अंदर कॉन्टैक्ट रिकॉर्डर, कॉम्पास और कैलकुलेटर सब कुछ मिल जाएगा, क्लोन फोन वगैरह और गूगल की ये सारी एप्लीकेशंस भी इसमें देखने को मिल जाएगी, तो आप ये चीज़ें जो है देख सकते हो इसके अंदर। अभी हम जो है कैमरा सैंपल की बात करते हैं, तो कैमरा में बेसिकली आपको ये सारे जो ऑप्शंस वगैरह मिल जाएंगे। एक्सपोर्ट मोड जो इसके अंदर मिलता है, हाँ हालांकि एक सिर्फ नाइटस्केप मोड जो इसको देखने को नहीं मिलता है, पेनोरामा एक्सपोर्ट, टाइमलेस और स्लो मोशन भी इसमें जो है देखने को मिल जाती है। एक्सपोर्ट मोड के अंदर वाइट बैलेंस वगैरह जो सब कुछ जो आप एडजस्ट कर सकते हो, उसके बाद एक्सपोजर ज़्यादा या फिर कम वगैरह जो आप कर सकते हो। लाइट्स के अंदर लो लाइट्स हो तो एक्सपोजर बढ़ाकर आप जो है काफ़ी अच्छी वाइट बैलेंस वाली लाइट वाली इमेज जो है प्राप्त कर सकते हो। नीचे वाटर मार्क मिल जाता है, साथ में फोटोग्राफर का जो भी नाम ऐड करना हो तो वो भी फंक्शन आपको उसमें सेटिंग के अंदर मिल जाएगा। जैसे वहाँ मैंने टेक्निकल गुरु अतुल लिख दिया, तो आप देख सकते हो हर एक फ़ोटो के नीचे आपको जो है टेक्निकल गुरु अतुल जो है दिखाई देगा। AI सपोर्ट भी मिल जाता है, AI कैमरा जो है 70-80 तक जो है मेरे ख्याल से आप जो है उसको सेट कर सकते हो। HDR, क्रोमा बूस्ट, कलर मोड, ये सारे चीज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम सेम टू सेम रियलमी 3 प्रो जैसे ही मिल जाती है, सिर्फ इसमें नाइटस्केप अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज से अनबॉक्सिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। चलिए आज का वीडियो ही ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।